ये दोनों मिलकर के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। किस सीट के चारों तरफ की सीटें भी कमल के फूल में तब्दील हो जाए, मैं ये भी मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सोहना पहुंचे सीएम नायब सैनी ने आज निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष बंसल ने भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को अपना समर्थन दे दिया। सुभाष बंसल भाजपा से टिकट न मिलने से के चलते नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और सोहना विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। सुभाष बंसल के निर्दलीय उम्मीदवार होने के चलते भाजपा को वस्त्र समाज की वोटों का काफी नुकसान हो रहा था और यही कारण रहा कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद सोहना पहुंचे और उन्होंने सुभाष बंसल से मुलाकात कर बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करने के बाद सुभाष बंसल ने भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को समर्थन देने की सहमति जताई। उससे पहले सुबह सोहना के निरंकारी कॉलेज में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से मुलाकात की। विद्यार्थियों से मुलाकात करने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुभाष बंसल को मना लिया और उनकी घर वापसी हो गई। लेकिन एक और भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो है कल्याण सिंह चौहान। क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल्याण सिंह चौहान को मना पाएंगे? अगर वो नहीं मानते तो क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमारी बात सही है तो मैं आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का सीएम साहब का आने पर यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हूँ आपके सहयोग से। आप सभी कार्यकर्ताओं से, हमें भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम पुराने कार्यकर्ता हैं, एक तरीका से हमारी घर वापसी हो गई है। मैं सुभाष बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज जो इन्होंने इस प्रदेश की मजबूती के लिए निस्वार्थ भाव से आप सब साथियों के बीच में मेरी मातृशक्ति भारी संख्या में बैठी है, उनके साथ लगातार इस गर्मी में जो आप लोग पसीना बहा रहे थे, आप लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है। ये सुरक्षित हाथों में रहे, ये प्रदेश मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, ये कदम जो आप लोगों ने उठाया है मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। एक कदम जो आप लोगों ने उठाया, ये हरियाणा प्रदेश के विकास में और इसकी गति में ये सार्थक सिद्ध होगा। ये कोई छोटा कदम आप लोगों ने नहीं उठाया। मैं सुभाष जी को और आप पूरी टीम को आज बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और एक बात आप लोगों के बीच में कहता हूं, सुभाष जी मेरे पुराने मित्र भी हैं और ये कभी भी आप लोग इनको कोई काम कहेंगे तो सीधा मेरे को ध्यान में जो भी लगाएंगे उस काम को पूरा करने। आप लोगों के